ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के सिंहासन के फाइनल में। तो संगवारी हो, अभी हमन अपन ला बता थन छत्तीसगढ़ के जम्मू सीट के हाल अपन भर। तो अभी बड़े खबर जो हमला मिलत है वो ये है कि कांकेर ले मोहन मंडावी है 10,000 सीट ले 10,000 वोट ले आगू चलत है। अगर जो अपोजिट में रही से वीरेश ठाकुर उखले 10,000 वोट ले आगू चलत है। अभी हमर संग जुड़त है सीधा कांकेर ले लाइव हमर संवाददाता दीपक पुड़ो और संग में है भीमा मंडावी जी, अब उखर का ना बात करता हूँ जी। दीपक प्रकाश में आप मतलब बताना चाहते जो कांकेर लोकसभा है, कांकेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद है। लगातार वहाँ कांकेर लोकसभा ने बढ़त में हमारे ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ता से और जीत के अपन रखता हूँ जी। मोहन जी आप लगातार कांकेर लोकसभा ने आप मन बढ़त में लगातार बढ़त रहे अंतिम तक बढ़ेगा, भारी मत से जीतेंगे, लगभग कत्ता मत से जीतेंगे, 1,00,000 से ऊपर मत से जीतेंगे। लगातार आप मतलब बढ़त मत मिलत है, आप मन जैसे 10,000 वोटों से आप मन आगे हो, आप मन लगातार रहते हैं और आप मन हमारे चैनल के माध्यम से वोटर मुलाकात होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व चुनाव लड़े जा रहे और हमारे जो कार्यकर्ता में भारी उत्साह है और सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ से 1,00,000 मतों से जीत दो। जी प्रकाश आप मन देख सकते हो जो प्रत्याशी है वह 1,00,000 मत जीते के बाद प्रकाश जी। दीपक जी मोहन मंडावी जी का ना यहू पूछा कक्का अभी से उमन ला हमन बधाई दे सकत हन 10,000 लगभग 10,000 बोल रहे हैं अभी आप चले थे अपन बधाई कि आपका फोन आते हो लगातार बधाई आ रहा है और बीजेपी का अपने ने बैकअप हो रहा बार बार वहाँ बुला रहे हैं कि आगे बैकअप प्रकाश। जैसे कि मोहन मंडावी जी बताते कि लगातार बीजेपी कार्यालय में अपनी पटाखा फोड़े जाते और फोन बधाई की बात करें तो बधाई फोन पर जो है लगातार आते बता दो दीपक जी अभी लगभग अपन जो विरोधी पार्टी है वह ओकर से 10,000 लगभग 10,000 वोट से आगू चला थे मोहन मंडावी जी है और आगू आओ वाला विश्वास है कि 1,00,000 मत से आगू आके वो मन जीत सकते है। तो काका ओकर मुद्दा रहे से चुनाव में विकास क्षेत्र के विकास हो और हमारे जो राज्य में जो सरकार बने जो से जनता भाई नाराज है ना, पूरा कर्जे माफ हुई ना, 25 रुपया बेरोजगार मन मिली माफ हुई, उल्टा हमारे जो विकास काम में सारी पैसा बोलो वापस ले ली, चना नमक ला बंद कर दी, क्षेत्र में भारी कांग्रेस प्रति नाराजगी है और मन पुनः बीजेपी ला एक तरफा मत दे के जिता के सोचे हैं और इसमें हमला भारी सफलता मिली। जैसे कि आप मन सुन सका था जो राज्य में सरकार बनी है कांग्रेस के ऊपर ऊपर भी मोहन मंडावी का आरोप लगा सका जी। दीपक एहू अगर बात करी पूरा जम्मू सीट के देश के हाल अगर हमन जानना चाहे तो बीजेपी अभी 340 सीट में आगू चलत है, ये सब के ऊपर मोहन मंडावी जी के का कहना है, का मोदी जी के चेहरा ला देख के लोगन वोट दिए है या फिर क्षेत्रीय जो सांसद है ओखर चेहरा हा ओला देखत हुए लोगन वोट दिए है। लगातार आपके सभी बीजेपी आपके मोदी लहर है या फिर जो प्रत्याशी है उनको आज भी जनता हमारे रमन सिंह के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हर मत से जीत रही है, 350 के आसपास पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश जी। दीपक जी हमन ये जानना चाहूँ मोहन मंडावी जी से कि जैसे
ओला विश्वास है कि आज वो जीत जरूर दाखिल करही। तो जीते के बाद सबसे पहली प्राथमिकता का रही अपन क्षेत्र पर, सबसे पहले का कार्य करना चाहिए? किसान बंद शिक्षित योजना और हम जो बेरोजगार लेकर बने उनका भाव ये दो दो के साथ करके मामला पहले कर और हमारे बस्तर में संसाधन की कोई कमी नहीं है और वहाँ दो चार उद्योग अगर जाए तो हमारे पूरा कांकेर लोकसभा में तो कोई बेरोजगार नहीं है। उद्योग धंधा पर विशेष बेरोजगार बनता किसान भाई और स्वस्थ रहे हमारे जनता जनता मन के स्वास्थ्य के प्रति विशेष इस प्रकार बेरोजगार मतलब नौकरी और किसान मन पर तालाब बांध जैसे बनाए के साथ किए जाते मोहन मंडावी द्वारा। जी दीपक, लेकिन यही बात है कि बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो हमेशा नक्सलवाद है एक बड़ा मुद्दा के रूप में सामने आते हैं। अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो दंतेवाड़ा के कुआकोंडा क्षेत्र में जो विधायक रही से भीमा मंडावी उखर ऊपर नक्सली हमला हुई से और उखर मृत्यु हो गई से, तो का नक्सलवाद के खिलाफ भी जो केंद्र की सरकार है वो कुछ बड़े कदम उठाई इधर ही जब उखर नया सरकार जब बनी तो? और आप बन के भी कीजिए। बिल्कुल, केंद्र में नया सरकार बनी है, नया नया तकनीक अपनाने की कोशिश करनी पड़ता है। दीपक, अभी तक के रुझान के हिसाब से ऐसे लगा थे कि भाजपा के सरकार दोबारा केंद्र में आवैया है और जब भाजपा के सरकार दोबारा आही तो सबले पहली प्राथमिकता मन के का रही राज्य के लिए और देश के लिए सबले पहली का कार्य ओमन के करे के विचार है? जैसे कि जी जी दीपक, अभी आप बात कर रहे हो सिंचाई व्यवस्था के, तो अभी अभी न्यूज 36 के माध्यम से हमने ये बात ला दिखाया रहे ये खबर ला दिखाया रहे कि इंद्रावती जो नदी के पानी है वह पूरा तरह से छत्तीसगढ़ ला नहीं मिल पाते, तो का ये मुद्दा के ऊपर भी जो नवा सरकार रही तेना कुछ काम करी? पहले बहुत बड़े बिजली पर आज वो उत्पादन बिजली उत्पादन बच जाते तो ये इंद्रावती नदी की समस्या नहीं होती और हम सोचा था कि वो बहुत परियोजना चालू हो और जो हमारा आधा से अधिक पानी विषम जाते वो पानी हमला नहीं है और एक बात करो और हमारा क्षेत्र के आदमी पद यात्रा वगैरह चालू करते हैं कि इंद्रावती नदी हमारे बस्तर के जीवन दायी यदि ये सूखे तो हमारी इंद्रावती नदी कोई चला। तो दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे संग जुड़े पर और हमारे तरफ ले मोहन मंडावी जिला भी अभी ले बधाई अग्रिम शुभकामना है भाई, जरूर मन जीत दाखिल करे और जैसे ही सरकार में आवे तो जो भी वादा अपन क्षेत्र के जनता से करे है देश के जनता से करे है वो लब बखूबी निभावे। जी हमारे संग जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संगवारी हो अभी